वेलकम टू अचीव आई एस। माई नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम योजना का अक्टूबर 2020 का एडिशन पढ़ने जा रहे हैं। इस बार इंटरनेशनल रिलेशन पे ये एडिशन आया है, तो मेंस के लिहाज से और नेक्स्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। मैं आपको इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल्स होंगे उनका एनालिसिस करवाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़े पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। आज हम थोड़े से पेज देखेंगे, थोड़ा सा आर्टिकल देखेंगे, फिर हम अगले वीडियो में बाकी का कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। सबसे पहले तो इसमें मिशन कर्मयोगी की बात हो रही है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में और काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए भी, तो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। हालांकि शुरुआत हम करेंगे योजना के लीड आर्टिकल से। योजना का लीड आर्टिकल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा है, हर्षवर्धन श्रृंगला ने, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक। इसमें बात हो रही है कि कोविड 19 के टाइम पे इंडिया ने किस तरह की फॉरेन पॉलिसी अपनाई। नाम से ये आपको लगेगा कि पेंडेमिक की जो भी फॉरेन पॉलिसी हमने अपनाई पेंडेमिक के समय में उसकी बात हो रही है, पर ये एक कॉम्प्रहेंसिव आर्टिकल है। और साथ में मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता जाऊँगा, तो आप कह सकते हो आपका करंट अफेयर्स भी साथ में रिवाइज होता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें अंडरलाइन की हुई है, तो मैं जो है कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज़ें याद रह जाए और बाकी की चीज़ें मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए ऐसे पढ़ा दूं। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि किस तरह के चैलेंजेस आए थे। पेंडेमिक आया और उसके बाद से इंटरनल एक्सटर्नल सारे चैलेंजेस आए। इंडिया भी इवोल्व कर रहा है और जो है दुनिया भी किस तरीके से इस हादसे से उभर रही है, ये सबको पता है। अब हम इसमें बात करेंगे कि इंडिया ने किस तरीके से जो है स्ट्रेटेजी अपनाई और फॉरेन रिलेशंस को संभाल के रखा। चलिए बात करते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको जो जो चीज़ें मैं अंडरलाइन की है शॉर्ट शॉर्ट में। इस पैराग्राफ में बात हो रही है कि किस तरीके से इंडिया हमेशा से और ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ता जा रहा है, कमिटेड है। हम चाहते हैं कि नेशंस बियॉन्ड द बाउंड्रीज सोचे। हमने देखा किस तरीके से पेंडेमिक में डिफिशेंसीज और लिमिटेशंस जो हमारे एग्जिस्टिंग फॉर्म के अंदर है, जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है करंटली, उसके अंदर जो कमियां हैं वो सारी बाहर निकाल दी। और वो कमी क्या है कि इट इज़ प्योरली ड्राइवन बाय एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक एजेंडा। पूरी तरीके से हम इकोनॉमिक एजेंडा पे घिरे हुए हैं। हम सोचते हैं पैसों की, बात करते हैं पैसों की, वेलफेयर सेंट्रिक मॉडल हमारा, ये सबसे बड़ी कमी थी इस दुनिया की, वर्ल्ड ऑर्डर की और ग्लोबलाइजेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के एड्रेस में, ये चीज़ आप मेंस में सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हो, कहा था अभी इसी सिलसिले में, ग्लोबलाइजेशन शुड एडवांस द कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड एंड शुड बी बेस्ड ऑन फेयरनेस इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक प्रोसेस। यहाँ पे हम इक्वालिटी, फेयरनेस और ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं। अब हम इंसानों की बात करेंगे और इकोनॉमिक एजेंडा को ही नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल एजेंडा, इन सबको भी लेकर चलेंगे ताकि वेलफेयर इंसान का होता जाए। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं अब की बार अगर क्वेश्चन आए। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस अपनी तरफ से प्रपोज किए हैं कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के वेलफेयर के लिए, और इनमें से जो दो हैं वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये पहला जो है इंडिया ने प्रपोज किया था इनिशिएटिव, दूसरा है हमारा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ऐसे तो हमने कई ऑर्गेनाइजेशंस के फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में पार्टिसिपेट किया, पर प्रपोज हमने फाइनली इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किया था। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बात होती है इसमें ग्लोबल मार्केट सिस्टम बनाने की जो कि सोलर पावर का इस्तेमाल करके और अपने फायदे की बात करेगा, सब कंट्रीज़ का वेलफेयर करेगा। लॉन्च किया था इसको 2015 में जब यूएन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2015 में COP21 जिसको कहते हैं, कहाँ हुई थी, पेरिस में, बहुत फेमस है ये। तो मोदी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया था। हालांकि उस टाइम पर यह था कि इसको वही कंट्री ज्वाइन करेंगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के या तो पूरी अंदर आती हो या थोड़ा सा उनका पार्ट, उनकी टेरिटरी उसके अंदर आती हो। हालांकि जब पहली असेंबली हुई इंटरनेशनल सोलर एजेंसी की जो कि 2018 में हुई थी न्यू दिल्ली में, तो वहाँ पे हमने साफ कर दिया कि यूएन के सारे मेंबर्स इसमें जुड़ सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका चूँकि
इंडिया ने इसको प्रपोज किया था, तो इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में। तो कभी भी बात आ जाए सोलर सिस्टम की, सोलर एनर्जी की, तो इसका मेंशन करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमने इसके अंदर वादा किया है 2030 तक $1,000 बिलियन का हम जो फंड है मोबिलाइज करेंगे, किस बात पे? सोलर टेक्नोलॉजी की बात पे। हाँ, तो इंटरनेशनल जो सोलर असेंबली है वही इसकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसको चेयर कौन करता है? ऑफकोर्स इंडिया। को चेयर कौन करता है? फ्रांस। को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन है हमारा? प्रेसिडेंट कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? इंडिया। और को प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? फ्रांस। इंडिया की तरफ से कौन है प्रेसिडेंट? रिप्रेजेंट कौन करता है इंडिया, इंडिया की तरफ से इसको? मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। होता क्या है बच्चे, कल कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन अगर आ जाए कि इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो दिमाग में जो है प्राइम मिनिस्टर ही आते हैं मोस्टली। पर ये चीज़ें याद रखने वाली है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, हल्के में मत लीजिएगा। रिप्रेजेंट करते हैं इसको मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड पावर, ठीक है, वो जो ये प्रेसिडेंट है इसके। और फ्रांस जो है वो को प्रेसिडेंट है। देखो ऐसा है कि 121 कंट्री पहचानी जा चुकी थी अब तक, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में आती हैं, और उनमें से भी 58 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। अब मेंबरशिप यूएन के सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन है, तो यहाँ पे फिर भी अब तक 58 कंट्रीज है जिन्होंने इसको रेटिफाई किया, तो काफ़ी जो है अच्छी संख्या में इसके मेंबर्स हैं। हालांकि 121 मेंबर्स हैं जो इसके बनने चाहिए, इसके मेंबर 121 कंट्रीज़ हैं ऐसी जो इसके मेंबर्स बन सकती हैं, क्योंकि वो सोलर पावर्ड है, काफ़ी अच्छी सन की एनर्जी उनकी टेरिटरी पे आती है। लेकिन अब तक 58 कंट्रीज़ ने इसको सर्टिफाई किया, तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसका आगे बढ़ने का। इसमें बात हो रही है वासुदेव कुटुंबकम की। आगे वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है? द वर्ल्ड इज़ जस्ट वन फैमिली, हम सब एक परिवार हैं। और हमेशा से इंडिया, भारत इसी बात पे विश्वास करता आया है। इंडिया के एस्पिरेशंस मटेरियल नहीं है नेचर में, हम बात करते हैं यहाँ पे वेलफेयर की, और जो बोलते हैं उसके प्रति कमिटेड भी है। एक नया प्रिंसिपल यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, निष्काम कर्मा, आपने सुना ही होगा जो कृष्ण की फिलोसफी थी, निष्काम कर्म मतलब जो काम करते जाओ और फल की चिंता मत करो, जो करना है वो करना है, इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे पिछले कुछ महीनों में G20 नाम वर्चुअल समिट, ग्लोबल नाम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट, ग्लोबल वैक्सीन समिट, हाई लेवल सेगमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और साउथ एशियन लीडर्स की तो वर्चुअल मीटिंग्स भी की। इन सब में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आराम से पार्टिसिपेट किया और इन सब ने जो है अपनी लीडरशिप की झलक दिखाई। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने प्रपोज किया था और साथ में हमने कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रपोज किया था। देखिए यार, आप ना एक कॉपी लेके बैठ जाओ और उसमें जो जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, या तो वो लिख लो, या फिर इन चीज़ों को ना लिख टॉपिक नाम लिख लो, फिर कहीं और कभी और पढ़ लेना, फिर उसको जैसे नोट्स बना लेना, क्योंकि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेंस और प्रीलिम्स के लिए भी, और ये तो बहुत न्यूज़ में आती भी रहती हैं चीज़ें। आजकल UPSC इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने लग गया, जो काफ़ी 2 या 4 साल से न्यूज़ में है, जो 2 या 4 साल ओल्ड है। कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो वैसे तो ये 2019 में नया नया लॉन्च हुआ था, अभी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। कहाँ हुआ था? वेन्यू याद रखना है, यूएन सेक्रेटरी जनरल का क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में, तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं हम। इंडिया हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ डिजिटल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द करंट क्राइसिस। देखो बात यह है कि इंडिया जो है डिजिटल डिप्लोमेसी के भी काफ़ी जो है यहाँ पे अपनी इसका उपयोग करता आ रहा था। जैसे हमने वर्चुअल समिट की, हमने वर्चुअल समिट की इतनी ज़्यादा, कम से कम 150 वर्चुअल समिट्स हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा हुई है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग भी हुई है ब्रिक्स में, SCO में और RIC में। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि ब्रिक्स, SCO और RIC आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स तो देखो, ब्रिक्स तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो ब्रिक्स में ना अगला नंबर हमारा ही है, 2021 में हम इसको चेयर करने वाले हैं। 2020 में कौन था? रशिया। और आपको पता है ब्रिक्स में जो चेयरमैन होता है, जो हर साल जो कंट्री चेयर करती है, वो कैसे डिसाइड होती है? अल्फ़ाबेटिकली। मान लो ब्रिक्स में BRICS है, तो ब्राज़ील हो गया, उसके बाद रशिया होगा, फिर इंडिया होगा, ऐसे डिसाइड होती है। तो इस बार रशिया रहा था 2020 में, तो अब इंडिया का होगा। SCO तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, नाम में शंघाई है, हेडक्वार्टर बीजिंग में, नाम में शंघाई है, हेडक्वार्टर बीजिंग में। अगला है हमारा
रशिया इंडिया चाइना मीटिंग, इसमें हमने हमारे जयशंकर जी गए थे, पार्टिसिपेशन किए थे, बोले चाइना को कि भाई वायरस का अगर कुछ तुम्हारे पे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो बता दो, वरना बॉर्डर पे उथल पुथल करने की आपको आवश्यकता क्या पड़ रही है। हालांकि फिर भी चाइना नहीं सुधरा। ब्रिक्स की एक बात मैं बता दूं आपको, ब्रिक्स का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, चूँकि ये ग्रुपिंग है, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ब्रिक्स जो है वो रेगुलर मीटिंग करता है। और लेकिन एक बात समझिए कि ब्रिक्स का एक बैंक है, फोर्टेजा डिक्लेरेशन के थ्रू आया था, फोर्टेजा डिक्लेरेशन, उसका नाम क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। मैंने क्या बताया, जो SCO है, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, ब्रिक्स का बैंक कौन सा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई में। तो ये चीज़ें प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यही चीज़ें होती है, यहीं से जो है UPSC आपका क्वेश्चन पकड़ के डाल देता है सीधे सीधे। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी विजिट्स की, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की, मिनिस्टर की, ठीक है। और हाँ, ये हमारे आशियन नेशंस की बात हो रही, मैंने कहा था ना कि आर्टिकल ना कॉम्प्रहेंसिव ना एक तरीके से आपको पूरी ओवरव्यू देगा, साथ में मैं भी आपको कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स इसमें प्रिपेयर करवाने वाला हूँ। लुक ईस्ट की बात हो रही है, लुक ईस्ट पहले था, अब हम एक्ट ईस्ट अपना रहे हैं, आशियन कंट्री के साथ मिलकर टाइज मजबूत कर रहे हैं। ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इनके साथ हम मिलकर मेनली कर क्या रहे हैं, रोड मैरिटाइम एयर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं आपस में, क्यों, ताकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इन कंट्री से करेक्ट हो चुके। भाई एक बात बताओ मुझे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने की ज़रूरत है मेनलैंड इंडिया से, क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और एक बार अगर डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे अच्छे से, लोग वहाँ पे बसने लग गए अच्छे से, इंडस्ट्रीज आ गई, तो चाइना का क्लेम थोड़ा वीक पड़ जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है किस तरीके से हमने आसियाई नहीं, अच्छा हमने ईस्ट एशिया समिट भी की, अभी पार्टिसिपेशन किया, आसिया डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस भी हुई, यही नहीं 5 सालों में हमने वेस्टर्न कंट्रीज़ में अपना दबदबा बढ़ा दिया, जैसे चाइना वह कर रहा है अभी गल्फ कंट्रीज़ में, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में रीच हमारी बढ़ चुकी है। अफ्रीका में तो शुरू से थी, देखो अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में तो गांधी जी के समय से बहुत ज़्यादा हमारी जो है इज्जत रही है वहाँ पे। अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने गांधी जी के नाम पे शायद म्यूज़ियम पता नहीं क्या किया, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी 2-3 दिन पहले करंट अफेयर है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी आप साउथ अफ्रीका और इंडिया के रिलेशंस के में लिख सकते हो। अब तक अफ्रीका में या मान लो जो ऑनगोइंग विजिट्स होती हैं हमारी, रेगुलर जो विजिट्स होती हैं, ऐसे 34 विजिट हमारी हो चुकी है, चाहे उसमें प्रेसिडेंट गए हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट गए हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर गए हो। अफ्रीका की बात कर रहा हूँ मैं, अफ्रीका की इंपॉर्टेंस इतनी है कि 2/3 इंडिया की जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है ना, उसकी 2/3 पास्ट डिकेड में अफ्रीकन कंट्रीज़ को गई है। लाइन ऑफ क्रेडिट आप जानते हैं, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता, लेकिन कोई आपको डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी हो, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन करना हो, उसके लिए कोई रॉ मटेरियल चाहिए, तो अफ्रीका इंडिया से आराम से सामान ले सकता है और पेमेंट जब चाहे मर्जी कर सकता है, वो भी इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम, ऐसा तो नहीं है देगा ही नहीं, पर बिल्कुल मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट की ये जो खासियत होती है, और ये हमने जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ को ऑफ़र किया, 2/3 हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट अफ्रीकन कंट्रीज़ को जाता है। आप सब जानते हैं चाइना अपनी प्रेजेंस अफ्रीका में बढ़ाता जा रहा है, 5G कनेक्टिविटी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है चाइना, Huawei जो इसकी कंपनी है उसकी मदद से, US ने तो हटा दिया, इंडिया अब करेगा नहीं, इंडिया ने वैसे अलाउ कर दिया था, लेकिन लद्दाख पे चाइना लड़ लिया, तो फिर अब इंडिया कैसे कर देगा। और UK ने तो वैसे भी 5G ग्रुप अपना प्रपोज कर दिया है ना, D10 ग्रुप जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ 10, UK ने हाल ही में D10 ग्रुप प्रपोज किया, उसको कहते हैं 5G ग्रुप, D10 मतलब डेमोक्रेसी, 10 डेमोक्रेसी, 10 डेमोक्रेसी में इंडिया तो आएगा ही, तो ये कौन कंट्रीज़ का ग्रुप होगा जो कि चाइना की चाइना पे डिपेंडेंस है 5G टेक्नोलॉजी पे, वो दुनिया की ख़त्म कर चुके, ख़त्म कर सके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि चाइना के अगेंस्ट वैसे तो बहुत सारे इनिशिएटिव हुए, मिल्क आपने सुना होगा, मिल्क टी इनिशिएटिव सुना होगा आपने, मिल्क टी इनिशिएटिव थाईलैंड, ये हांगकांग और वियतनाम ने शुरू किया है, साउथ एशियन कंट्रीज़ है। अच्छा, मिल्क टी इनिशिएटिव से मतलब क्या होता है, मिल्क टी इनिशिएटिव यानी ये जो कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन वाली, ये बहुत ज़्यादा मिल्क को कंज्यूम करती है लेकिन चाइना नहीं करता, तो एक तरीके से आप कह सकते हो अपोच करने के लिए नाम रखा गया, डी10 ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, जापान का सप्लाई चेन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव भी आया, सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव, बेसिकली क्या है, जापान ने शुरू किया, इंडिया को भी इसमें प्रपोज किया, इंडिया को भी इसमें इंक्लूड करने की बात की गई, ताकि चाइना पे डिपेंडेंस हम कर सकें, कम, बिल्कुल कम कर सकें, ठीक है।
बात हो रही है यूएसए की, इंडिया और यूएस रिलेशनशिप की बात हो रही है। देखो इंडिया और यूएस की रिलेशनशिप आज के टाइम पे हाई लेवल पे, हाई पीक पे, अपनी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम से, कंप्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नाम से हमारी जो रिलेशन चल रहा है और काफ़ी डीप रूटेड है और हाई लेवल डायलॉग होते हैं। पता है किस तरीके से हम हाई लेवल और डीप रूटेड मतलब क्या, और इसमें जो ये नाम है कॉम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में, तो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? देखो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये है कि हम यूएसए कितने साल में कितनी बार कितने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। तो टाइज और एग्रीमेंट्स तो हमारे ऐसे भी बढ़ते जा रहे हैं ना यूएस के साथ, बायलेटरली देख लो, मल्टीलेटरली देख लो। मैं आपको यूएस के जो इनिशिएटिव्स हैं हमारे यूएस के साथ, बायलेटरल इनिशिएटिव भी बताऊँगा और मल्टीलेटरल जो तरीके से यूएस ने किया इंडिया के साथ वो भी बताऊँगा। पहले पढ़ लो कि स्ट्रेटेजिक एनर्जी जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ वो मजबूत हो गई है। अभी जो एनर्जी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत कम है कि एनर्जी के मामले में हमने जो है यूएस के साथ इतनी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। कई चीज़ें हैं जो यूएस के साथ हमने मिलके की हैं। इंडिया आइडियाज़ समिट लिख लो कहीं कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सारा एक जगह कलेक्ट करके किया है, इंडिया आइडियाज़ समिट। अभी अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, अभी अपन तो इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम जो इंडिया और यूएस के बीच में, वैसे तो ये फोरम यूएसए लॉन्च करता है लेकिन इंडिया भी इसका एक पार्ट हो गया एक तरीके से मान लो। यूएस ने कई कंट्री के साथ ये फोरम लॉन्च किया तो इंडिया भी जुड़ गया, इंडिया की तरफ से नीति आयोग जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एनर्जी नाम है ना, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर अगर होगा क्वेश्चन में, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होगा तो कन्फ्यूज हो गया ऑप्शन में, तो नीति आयोग भी लिख लेना साथ में। स्ट्रेटेजी एनर्जी पार्टनरशिप जिसको अपन कहते हैं इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, इसमें नीति आयोग जाता है हमारी तरफ से और यूएसए के साथ अच्छी पार्टनरशिप है। एक प्रोग्राम है इंडिया और यूएस का, मैत्री इनिशिएटिव, मैत्री नाम सुना होगा ना आपने, मैत्री प्रोग्राम के अंदर हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया, रेज इनिशिएटिव, रेज मतलब एयर पोल्यूशन वाला, ठीक है। एक हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर है, उसमें भी नीति आयोग रिप्रेजेंट करता है इंडिया को और यूएस के साथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। ऐसे बहुत कम जो है एग्रीमेंट्स होते हैं डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया के जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इन चीज़ों की बात करें। फॉरेस्ट प्लस 2.0 ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया और यूएस का मिलके, हमारी तरफ से फॉरेस्ट प्लस नाम है इसका, फॉरेस्ट प्लस 2.0, तो ज़रूर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही इसको रिप्रेजेंट करता होगा और वही करता है। 5 साल का प्रोग्राम था, 2018 में लॉन्च हुआ था। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, इंडियाज़ आइडिया समिट, इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम, नीति आयोग रिप्रेजेंट करता है, मैत्री प्रोग्राम जिसके अंदर हमने रेज इनिशिएटिव लॉन्च किया एयर पोल्यूशन के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर नीति आयोग और यूएस के बीच में, फॉरेस्ट प्लस 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्लस यूएस, 5 ईयर प्रोग्राम 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा मैं आपको ये बता दूँ, यूएस कई देशों के साथ मिलकर मिलिट्री एग्रीमेंट्स करता है, लॉजिस्टिक्स पे, सिक्योरिटी पे, इंडिया के साथ भी इसने 3 कर रखे हैं, एक प्रपोज्ड है। वो 3 कौन से हैं? एक तो जीसोमिया, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 में लो इसको साइन किया गया था इंडिया और यूएस के बीच में, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट 2002 मतलब 2002 में इसको साइन किया गया था ऐसे मान लो। लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ, ये तो सुना होगा आपने कई बार, लेमोआ हमने साइन किया था इंडिया और यूएस ने 2016 में, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अगला है कोमकाजा, वो 2018 में साइन किया था हमने, कोमकाजा तो आपने बहुत बार सुना होगा, यूपीएससी सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कोमकासा इसको हम कहते हैं, हालांकि इंडिया के सिलसिले में इसका नाम थोड़ा चेंज किया है, इसका नाम कुछ थोड़ा बहुत अलग ही होता है लेकिन इतना याद रखिए कोमकासा 2018 इंडिया और यूएस के बीच में साइंड है। ये 3 जिसोमिया, लेमोआ और कोमकासा साइंड है। एक जो बात चल रही है वो है बेका की, बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अभी साइन नहीं किया, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मतलब इंटरनली कुछ हमारे है अभी दिक्कत आ रही है कि इतना ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हम यूएसए के साथ नहीं कर सकते, खैर जो भी हो वो होएगा तब ये इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक तो ये समझ लिए कि ये तीनों एग्रीमेंट आपके बहुत काम के हैं और जो मैंने अभी बताए बायलेटरली भी बताए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है और हमने जो है यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर अभी एफटीए की भी बात चल रही है। हालांकि दिक्कत ये है कि यूरोपियन यूनियन में सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और फिर आप ऐसे मान लो कि आसियान कंट्रीज़ के साथ अगर आरसीईपी साइन हो जाए वो बेहतर है,
ईयू की बीटी, ईयू के एफटी एग्रीमेंट्स है तो। लेकिन देखो अगर इंडिया ने अच्छे तरीके से नेगोशिएशन कर लिया, वही तो पावर होती है डिप्लोमेट्स की, नेगोशिएटिंग पावर अच्छी है तो फिर आप कर सकते हो। इंडिया ईयू की समिट जो है वो जुलाई 2020 में हुई थी, 15th समिट थी याद रखना, और कमिटमेंट जो है हमारा ये बिल्कुल इंडिया और ईयू के बीच की जो रिलेशनशिप है उसका कमिटमेंट साफ दिखाई देता है हमारी पार्टनरशिप में, जिसका नाम है इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रोड मैप टू 2025। तो इसका नाम याद रखिए, और ये भी देखिए कि जो है यहाँ पे इंडिया ईयू समिट 2020 में जुलाई 2020 में 15th हुई थी। वैसे ईयू के साथ हमारे टाइज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, जैसे अभी यूएस के साथ जो है एक डील नहीं हो पा रही हमारी अच्छे से, तो नेगोशिएटिंग पावर बता दी डिप्लोमेट्स की। ठीक है, रशिया की बात करें तो रशिया के साथ तो हमारा इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 20 साल हो गया, 20th ईयर था इस साल, और स्पेशल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 10th ईयर थी। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए और मेंस में आपके काम आ सकता है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और बताना डिटेल में भूल गया, हाँ देखो इसमें मैंने RIC के बारे में डिटेल में नहीं बताया आपको। देखो रशिया इंडिया और चाइना की स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है ये, 1990 में आया था और रशिया के जो एक पॉलिटिशियन थे उन्होंने ही इसको शुरुआत की थी। अच्छा एक बात बता दूँ मैं आपको कि ये बना क्यों था, रशिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग बनी क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है वेस्टर्न अलायंस को काउंटर करना। US की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से जो दुनिया चल रही है उसको ख़त्म करना, इंडिया के साथ अपने टाइज बढ़ाना, और चाइना के साथ जो नई नई फ्रेंडशिप नई नई दोस्ती अभी रशिया की हुई है उसको भी आगे बढ़ाना। अच्छा एक बात समझो, इंडिया के पास सबसे बड़ी मुश्किल क्या है, इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर रखा है, जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडिंग मेंबर भी थे, हम क्या कहते हैं हम किसी के साथ अलाइंड नहीं होंगे। क्वाड के साथ हमारी कोऑपरेशन बढ़ती जा रही है, क्वाड क्या कहता है, क्वाड जानते हो ना, रशिया USA ऑस्ट्रेलिया इंडिया और जापान का जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप इसको कहते हैं। ये ऐसे तो इनके फॉर्मली लिखा हुआ नहीं है कि ये चाइना के अगेंस्ट है, लेकिन सबको पता है, और माइक पोम्पियो USA के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने तो साफ अभी बोला भी था, स्टेटमेंट भी दिया था कि चाइना को हम पूरी तरीके से जो है इंडो पैसिफिक में एक डोमिनेंट पावर बनने से रोकेंगे। इंडिया के पास दिक्कत यह है कि इंडिया क्वाड ज्वाइन करके चाइना को अपोज करने की कोशिश करता है, हालांकि चाइना के नाम हम लेते नहीं हैं, हम जयशंकर जी और मोदी जी नाम लेते नहीं हैं चाइना का, लेकिन हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो जुड़े हुए हैं ना जो चाइना को अपोज करता है। भाई जापान ऑस्ट्रेलिया तो US के अली हैं, वो तो USA बोल दिया कि ये बोलो तो वो तो ये भी बोलेंगे। एक तरफ हम RICT मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और RIC का ऑब्जेक्टिव क्या है, US की फॉरेन पॉलिसी को कम करना, तो हम करें तो करें क्या, RICT मीटिंग में जाके हम स्टेटमेंट देंगे कि हम बिल्कुल जो है प्रतिबद्ध हैं। हालांकि RIC का फ़ायदा बहुत है, रशिया इंडिया चाइना का फ़ायदा बहुत है, और इस ग्रुपिंग में हम काफ़ी ज़्यादा जो ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें हम रशिया और चाइना की मदद ले सकते हैं ले सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है। पर ये जो आप कह सकते हैं ना कि जिस नींव पे ये बना था उस नींव तो जिंदा रहेगी ना हमेशा, तो उसको कैसे काउंटर करना पड़ेगा, उसको कैसे बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती और रहेगी, और हो सकता है कि सबसे बड़े पावर भी इंडिया की यही रहे कि हम किसी के पूरी तरीके से अलाइन नहीं हो जाए, मतलब क्वाड में पूरी तरीके चले जाए तो फिर US के कहने पर चलना पड़ेगा पूरी तरीके से, तो ये चीज़ से अभी हम बच सकते हैं, तो एक हथियार भी एक तरीके से और हमारे लिए कमजोरी भी हो गई। हालांकि इसको ही बैलेंस बनाना डिप्लोमेट्स का खेल होता है, और इसमें जानने के लिए था कि हम जो है आपको पता है UN सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे भी अब 2 साल के लिए नॉन परमानेंट सीट हमने ले ली है, 2021 का जो जनवरी आएगा वहाँ से हम शुरू करेंगे। G20 ब्रिक्स और SCO की प्रेसिडेंसी भी हमारे पास आने वाली है, ब्रिक्स की तो अब अगले साल ही आने वाली है। काउंटर टेररिज्म की बात हो रही है इस पैराग्राफ में, देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, काउंटर टेररिज्म की मैं बात करता हूँ तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टैंड यही है कि टेररिज्म को रोको, कुछ भी हो जाए टेररिज्म को रोको। हालांकि दिक्कत क्या आती है कि इसके लिए एक सिंगल कन्वेंशन नहीं है जो सारी टेररिज्म को सारे तरह के टेररिज्म को कवर करता है, और सारे तरह का मतलब क्या होता है, टेररिज्म कई तरीका का होता है ना, और इसमें जो फंडिंग होती है फाइनेंशियल फंडिंग वो भी इंक्लूड हो जाती है। हालांकि इंडिया ने प्रपोज किया था 1996 में कन्वेंशन प्रपोज किया था, मैं बता देता हूँ आपको उसके बारे में, कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म हमने प्रपोज किया था। हमने क्यों किया था, ताकि एक अनडिफरेंटेड अनएम्बिग्यूस एम्बिग्यूस यानी जो बात समझ में नहीं आती हो,
वैग हो, क्लियर नहीं हो, दो मतलब निकलते हो, अनएम्बिगस मतलब बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर एकदम। तो अनडिफरेंटेड अनएम्बिगस अप्रोच जो है टेररिज्म के खिलाफ हम अपनाना चाहते थे, और इसके लिए हमने कंप्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म भी जो है फाइनल करने की सोची थी। लेकिन और आज भी हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका कन्वेंशन का इफेक्टिव जो है तरीके से अडॉप्ट होना चाहिए। 1996 में आपने इसको प्रपोज किया था, और प्रपोज करते वक्त हमने कहा था कि ये हर कंट्री में बाइंडिंग रहेगी, लीगली बाइंडिंग रहेगी, और इस पर हर तरह के जो टेररिस्ट जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बंद किया जाएगा, चाहे वो फंड्स देना हो, चाहे वो सेफ हेवेंस की बात हो। हालांकि इसको अपोज करने वाला भी कौन था? अच्छा, इसको यूएन जनरल असेंबली में जो है अडॉप्ट करने के लिए बोला गया था। अगर ये साइन कर लेते तो फिर होता क्या कि जैसे यूएस है, यूएस क्या करता है, पीस ऑपरेशन, आपको सुना होगा आपने यूएस के कई पीस ऑपरेशन हुए हैं, कई मिडिल ईस्ट में, कई कंट्रीज़ में जाके यूएस की आर्मी ने जाके वहाँ के लोग सिपाहियों को, मिलिट्री को या फिर सिविलियंस को मारा है। अब वो कैसे भी मारा है वो बात की बात है, लेकिन यूएस क्या है, इसको अपोज करता है कन्वेंशन को, इसी वजह से कि आपकी जो डेफिनेशन है इंडिया की डेफिनेशन की वजह से हमारी जो आर्मी है वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, तो वहाँ पे इतना जो यहाँ पे जो इनके यमन वगैरह में जो इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इनके खुद के जो रिबेल ग्रुप्स है, जैसे ईरान का जो है ना आपका मैं भूल गया, ईरान का जो रिबेल ग्रुप है मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ने अपोज किया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ ने इसको अपोज किया पूरी तरीके से, और इसी वजह से ये कन्वेंशन आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म में सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि यार इसकी डेफिनेशन सारे तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को कवर करती है, और इसमें तो फिर सारे कुछ कोई स्टेट्स ऐसे ऐसे हैं जैसे यूएस है, वो घिर जाएगा, उसकी आर्मी टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो आज तक इस वजह से ये नहीं आया पाया है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करती है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो अब तक कभी आए नहीं हैं, अचानक से नए चैलेंजेस हैं, जैसे साइबर वर्ल्ड हो गया, स्पेस की बात हो गई, स्पेस वार्स वगैरह की आपने सुना होगा कि चाइना ने तो स्पेस अपनी आर्मी बना दी, साइबर वर्ल्ड में अब लड़ाई, साइबर थ्रीट्स वगैरह में काफ़ी दिक्कत जो है यहाँ पे इंडिया को हो सकती है। ये बात हो रही है किस तरीके से इंडिया ने पेंडेमिक के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज़ को हाइड्रोक्सिलराइन और पैरासीटामोल की डोज भेजी, मालदीव्स में इंडिया ने भर भर के भेजा, भर भर के, और भेजेगा ही ना इंडिया, इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में। ऑपरेशन कौन कौन से किए इसके लिए इंडिया ने? ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन संजीवनी, संजीवनी का मतलब ही होता है जो एसेंशियल मेडिसिन, संजीवनी का नाम सुना ना आपने, तो मेडिकल रैपिड रिस्पांस टीम नेवी के साथ भेजी है, INS केसरी का भेजा था शायद, मिशन सागर में भेजा था मदागास्कर में। तो ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन संजीवनी, ये सब जो है इंडिया का एक मकसद है कि इस इंडियन ओशन में जो किंग है इकलौता वो भारत है, उसके अलावा कोई नहीं है। चाइना इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है, चाइना क्या सोच रहा है कि हम जो है, अब देखो मैं एक बात बता दूं, इंडिया जहाँ जहाँ मौजूद है ना, चाइना वहाँ मौजूद हो चुका आज की तारीख में। इंडियन ओशन के जितने भी आइसलैंड्स हैं ना, उनमें आराम से चाइना की दबदबा है। और ये और बता दूं आपको, इंडियन ओशन जो कमीशन अभी हाल ही में जिसके हम ऑब्जर्वर स्टेट बने हैं ना, तो बहुत खुशी होती है सुन के, लेकिन ये भी खुशी होती है कि इंडिया से बहुत महीने पहले चाइना बन चुका है ऑलरेडी, जबकि चाइना का तो इतना इंडियन ओशन में देखो ना कि इतना कुछ सालों से ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं रही है, स्ट्रेटेजिक रूट्स नहीं है, जबकि इंडिया तो शुरू से मदद करता आ रहा है, चाहे ऑपरेशन कैसे कैसे जो है मिशन हमने किए। चाइना क्या करता है, पैसे के दम पे, डेप ट्रैप के दम पे कर लेता है। तो इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा कि जितना हो सके उतना सपोर्ट इंडियन जो ओशंस के जो आइसलैंड्स हैं, मडागास्कर हो गया, सीचेल्स हो गया, मालदीव्स, इन सबको जो है पूरी तरीके से सपोर्ट मिले, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में केवल इंडिया ही निकल के आए। बाकी कुछ इसमें पढ़ने के लिए है नहीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, वंदे भारत मिशन हुआ हमारा, जो इंडियन सिटीजन जो अलग अलग कंट्री में फंसे हुए थे उनको लाने के लिए, इसमें और कुछ काम का नहीं है। लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, मेंस में अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया का जो मॉडल है डेवलपमेंट कोऑपरेशन का अलग अलग कंट्रीज़ में, वो किस बेसिस पे है या फिर क्या क्या उसके जो है फीचर्स है, तो इसमें जो आपको अंडरलाइन करी हुई मैंने चीज़ दिख रही है, ग्रांट इन एड, लाइन ऑफ क्रेडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल असिस्टेंस, इन ये सबसे हमारे जो है दबदबा बना के रखते हैं हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे। डायग्राम बनाना मेंस में और इन चारों को सजा देना आराम से। साथ ही साथ अगर 250 वर्ड का हो क्वेश्चन, जब आपको जगह नहीं भर रही हो, तो इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती। इंडिया की पार्टनरशिप अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे कैसे हैं, कॉमर्स टू कल्चर, इंजीनियर टू इंजीनियरिंग, एनर्जी टू इंजीनियरिंग, हेल्थ टू हाउसिंग, आईटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स टू साइंस, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज असेट्स। होता क्या है मेंस में ना, अभी तो हम समझ लेते हैं कितनी ईजी चीज़ें,
मेंस में ना जो प्रेशर रहता है ना लिखने का, उस टाइम पे चीज़ें याद नहीं आती और एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आपने ये चीज़ें नहीं लिखी तो। ये चीज़ें लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे और ये चीज़ें आप आराम से लिख भी सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। तो ये मेंस के लिए था आपका। खैर आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी और चीज़ें अच्छी लगी होंगी और जो मैंने बोला हूँ आपको वो याद हो गई होंगी। कल फिर मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ। धन्यवाद, बाय बाय। 10 पेज हमारे हो चुके हैं, 70 पेज होंगे इसके। कोशिश करूँगा मैं 5 वीडियो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कुछ आर्टिकल जो हैं वो अपने काम के भी नहीं होते, जो बार बार न्यूज़पेपर में ऑलरेडी कवर भी हो चुके होते हैं, तो मैं वो समझाऊंगा जो आपका प्रीलिम्स भी मेंस भी दोनों के स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स कवर हो जाए। चलिए धन्यवाद, गुड बाय, बाय बाय, ख्याल रखना सब लोग।